लेकिन जमीन तो उनकी निजी जमीन है, उनकी स्वयं की जमीन है, उनके द्वारा जो है उस पर कृषि गोदाम लॉजिंग बोर्डिंग और आवासीय की परमिशन मांगी गई थी। उसमें उनको TNCP ने कृषि गोदाम की परमिशन दी थी, तो उनको कृषि गोदाम के लिए ही निर्माण करना चाहिए था। उनके द्वारा जो है उस पर जो बिल्डिंग बनाएगी बहुमंजिला, वो होटल के पर्पज से है लग रही है, तो वो जो है नियम के अनुकूल नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ TNCP पत्र में कार्रवाई की जा रही है। कृषि गोदाम बनाने के नाम पर जमीन ली गई, जमीन पे कृषि गोदाम बनाने की अनुमति ली गई और उस जमीन पर 6 मंजिला होटल बना दी गई, और ये संभावना ही नहीं हो सकती है कि जो नगर तथा ग्राम निवेश है, टाउन एंड कंट्री है, कि उनको पता नहीं हो कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जो आते जाते सबको दिखती है। सबको इस बात की जानकारी थी, बरसों से जानकारी थी कि इस जगह जो है होटल का निर्माण किया जा रहा है, और जिस प्रकार से नियम कायदों को ताक पर रखकर जो है होटल बना दी गई है, इससे ये स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों की भी मिली भगत है। नहीं तो जैसे ही निर्माण कार्य चालू हुआ और ये होता तो पता चल जाता, और तत्काल प्रभाव से जो है टाउन एंड कंट्री उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी, परंतु आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये सबको शंका। सर, हिंगोरिया के अंदर जो जमीन है वो यश कुमार अग्रवाल के नाम से है, और उनको हमारे यहाँ से कृषि गोदाम के लिए परमिशन जारी की गई है। उनको कृषि गोदाम ही बनाना चाहिए। हमारे यहाँ सब समय समय पर 3 लेटर उनको जारी कर दिए गए हैं, और अब आगे की कार्रवाई जो है वो अगला सप्ताह हमारे यहाँ से पूरी, हम इसको विधिक कार्रवाई पूरी कंप्लीट। सर, कार्रवाई हमारे अधिनियम के तहत जो कार्रवाई होगी, हम इसको विधिक में जो है कोर्ट में इसको पेश कर देंगे, और उसके बाद कोर्ट जो भी डिसीजन।